हीरा भाई था मेरा, जो पूरे घर को संभालता था और हर वो जिम्मेदारी उठाता था, बहन की शादी करना है बोल के भी टेंशन में था मेरा भाई, और गाड़ी भी फाइनेंस पे है। कमाने वाला एक ही था, कभी ज़िंदगी में किसी को बड़ी बात नहीं बोला, ना किसी को कुछ पलटा के जवाब दिया, हमेशा मेहनत करना मेहनत करना, मेहनत करते करते मर गया मेरा भाई। मैं सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई, उनके माँ बाप की और उसके बच्चों की मदद करो भाई, इसकी बहन की भी शादी का मसला है। मैं सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, किसकी गलती थी क्या थी कि मेरा भाई तो चलेगा, मेरे भाई को तो कोई भी हुकूमत नहीं ला सकती, पर किसकी गलती थी कि मेरा भाई तो चलेगा। मैं आवेदन ये गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी मेरे बड़े अहदेदार हैं, केटिया साहब, केसीआर साहब, असद साहब, बल्दिया के बड़े जो अहदेदार हैं, उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी फैमिली को करो साहब, मदद करो साहब, उन लोगों को हक दिलाओ साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जफर है। कल जो हैदरगुड़े पे ओल एमएलए क्वार्टर्स के पास जो सिग्नल के पास जो झाड़ भी गिरा था, वो मेरा सग्गा खलेरा भाई है। 5 बहनों के बाद में एक भाई था, वो पूरे बहनों की शादियां करा, एक बहन की शादी करना बाकी है। गाड़ी पे भी फाइनेंस है, गाड़ी पे जो गिरने से घर का फाउंडेशन सिर्फ वो एक ही बंदा था, उसको उसकी बीवी को, अब उसको 2 बेटियां हैं, फिर एक बहन की शादी करना है, वालिद साहब को पैरालिस है, घर का जो मेन जो था नीव वो मेरा भाई था जो मोहम्मद गौस पाशा, अब उनके माँ बाप को उसके बीवी बच्चों को कोई ज़रिया नहीं है, ना कहीं कोई इनकम है। केसीआर साहब, असद साहब, केटीआर साहब से और अब हमारे डिप्टी सीएम महमूद अली साहब से और जो बल्दिया के बड़े अहदेदार हैं, मैं उन सबसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मेरा भाई एक अकेला लौता कमाने वाला था, पूरे घर को संभालने वाला था, 5 बहनों के बाद में ये एक भाई था, फिर उसको 2 बेटियाँ भी है, वालिद साहब को भी पैरालिस आके है। तो मैं जो बल्दिया के जो अहलेदारों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब, असद साहब से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लोग को कुछ ना कुछ मदद कीजिए, इमीडिएटली डबल बेडरूम हॉल अलाटमेंट कीजिए, और जो बीवी है उनके लिए कुछ जॉब के लिए इंतज़ाम कीजिए, और जो माँ बाप का जो मेन जो माँ बाप को देखने वाला था, पूरा संभालने वाला था, मेरा भाई अकेला था, वही एक ही शख्स जो मेन आदमी मर गया, अब उनके इनकम के लिए कोई रास्ता नहीं है, और ये ज़्यादातर जीएचएमसी की गलती की वजह से है। ऑलरेडी पब्लिक कंप्लेन कर चुकी है कि वहाँ के झाड़ कमज़ोर हो गए बोल के, उसके और ये भी बोली है पब्लिक के उसको बस कोई टक्कर मारी थी आरटीसी बस, जो उसकी बुनियाद कमज़ोर होने की वजह से ऊपर से उसकी, और एक जो ये गलती करे कि ऊपर से उसको कांक्रीट वगैरह डाल के फ्लोरिंग कर दिए, उसकी वजह से वो और कमज़ोर हो गया। मासूम मेरा भाई नाजायज़ बिला वजह के मेरा भाई मर गया, हीरा भाई था मेरा, जो पूरे घर को संभालता था और हर वो जिम्मेदारी उठाता था, बहन की शादी करना है बोल के भी टेंशन में था मेरा भाई, और गाड़ी भी फाइनेंस पे है। कमाने वाला एक ही था, कभी ज़िंदगी में किसी को बड़ी बात नहीं बोला, ना किसी को कुछ पलटा के जवाब दिया, हमेशा मेहनत करना मेहनत करना, मेहनत करते करते मर गया मेरा भाई। मैं सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई, उनके माँ बाप की और उसके बच्चों की मदद करो भाई, इसकी बहन की भी शादी का मसला है। मैं सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, किसकी गलती थी क्या थी कि मेरा भाई तो चलेगा, मेरे भाई को तो कोई भी हुकूमत नहीं ला सकती, पर किसकी गलती थी कि मेरा भाई तो चलेगा। मैं आवेदन ये गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी मेरे बड़े अहदेदार हैं, केटीआर साहब, केसीआर साहब, असद साहब, बल्दिया के बड़े जो अहदेदार हैं, उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी फैमिली को करो साहब, मदद करो साहब, उन लोगों को हक दिलाओ साहब। उसकी गाड़ी तो पूरा चकनाचूर हो गई, ऑलरेडी खर्जे में डूबे हुए हैं वो लोग। मैं आप लोगों से आवेदन गुजारिश कर रहा हूँ, उसके मासूम 2 छोटे बच्चियाँ हैं, उसकी बीवी का फ्यूचर है, उसकी बहन की शादी का भी उसके ऊपर बहुत प्रेशर था साहब, हमेशा बोलता था साहब मेरे को उसकी जिम्मेदारी है बोल के। आप लोगों से आवेदन गुजारिश है कि उन लोग की फैमिली की मदद कीजिए, उनको उनका हक दिलाइए, आपसे जो बन हो सका वो कीजिए। मैं बल्दिया के अहदेदारों से भी गुजारिश कर रहा हूँ फिर एक बार, केटीआर साहब, केसीआर साहब, अफसर साहब से और हमारे अकबर साहब से, अब डिप्टी सीएम महमूद अली साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फैमिली की मदद कीजिए। जो हमारे एरिया में ले नागेंद्र साहब है, अब तक भी कोई आके ये नहीं पूछा क्या है क्या है, फैमिली से भी नहीं मिले। ज़रा मैं अबदन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग की फैमिली को मिलिए, आप कुछ मदद कीजिए, और ये बल्दिया वालों की जो लापरवाही की तरफ से जो मेरे भाई की जान चले गई, अब उसको तो वापस नहीं ला सकते, कम से कम वो एक ही आदमी था कमाने वाला, उसके बीवी बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, माँ बाप है, वालिद साहब को पैरालिस है। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मैं, आके कम से कम उनकी फैमिली से मिलके उनकी कुछ ना कुछ मदद कीजिए, बड़ी मेहरबानी होंगी आपकी, आप तक भी आके कोई नहीं पूछे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है,
मेरे जो बच्चा है गौस पाशा ऑटो चला रहे थे कल जो जो हैदर हैदर है ये ओल्ड मेरे क्वार्टर्स हैदरगुड़ा हैदरगुड़े के पास सिंगल के पास ठहरा था। वो कई जमानों से जो झाड़ था हत्ती का सर का झाड़ है वो जबरदस्त झाड़ है। उसके पीछे भी दो आदमियाँ थे ऑटो वाले भी थे और एक आदमी कार वाले थे। वो लोग बच गए। मेरे बच्चे के ऊपर पूरा सामने गिर गया बाड़ी के ऊपर गिर जाके हड्डी के ऊपर पूरा सर ऊपर गिर गया खूना खून हो गया बच्चा। वहाँ पब्लिक इतने भी निकाल तो भी नहीं निकाले गया और क्या है वो कितने भी किरण भी लाने गए सब गए पुलिस वाले बोले नहीं। फिर वो लोग आके सादरी दिए नारायणगुड़े वाले आके सादरी दे दिए निकाले बच्चे को उस्माने को भी जा दिए। और मेरे बच्चे का है पहले से हमको घरदार चला घरदार नहीं हमको दवा डोरी में जो पालिश वायरलेस हुआ था 5-6 साल से पारलेस हुआ पारलेस होकर बच्चा ही दवा डोरी कर रहे थे हमारे माँ बाप को पाल रहा था जोर बच्चों को हमारे नवासियों को भी बच्चों को उनके पाले थे गाड़ी पे देखा था। केसीआर साहब कुछ भी हो क्या भी हो अल्लाह का फजल से आप तो जो हम 1914 में आपके पास लेक लुबनी पार्क के पास आके आपको सादारी देते हैं मीटिंग हमारी पूरी स्टेशन के डेवरा आए थे आपको हम सादारी दिए आपको बस आप पहचानते भी मेहरबानी हो गया कुछ ना कुछ करिए हमारे लिए बंदोबस्त करिए हमारे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करके दे देना।